झुका चरण में शीत है दुखियों के भगवान, दौलत मेरी लूट लो बख्श दो मेरी। रहम लबरा है मरीज ए गंगा, मैं रहम जानू नहीं। मैं रहम जानू नहीं किस जानवर का नाम है, रहम करने वाले का होता बुरा अंजाम है। हमें ये नहीं पता रहम क्या चीज है, हमारी बात को मान जाओ वरना तुम बहुत पछताओगी। एक बार हजार बार इनकार है। अच्छा, हजार बार इनकार है। जब तलक है जिंदगी जीऊंगी सांस से, हाथ लगाओगे ना मर जाऊंगी जान से। फिर देखता तेरे जवानी में कितना उबाल है। अरे मान जा रहे, हमारी जान हमारी चौथा हमारी गरम जान। गंगा, मैंने तुझको चाहा ये है मेरी मेहरबानी। हाँ मेहरबानी है तुम्हारी। मैंने तुझको चाहा ये है मेरी मेहरबानी, मैं गलियों का राजा तू है महलों वाली। जाओ गंगा, हमारी बात को मान जाओ।
इनकार व इनका ही इनकार है। एक बार नहीं, इनका ही इनकार है। मैं आपके हाथ जोड़ती हूँ, प्लीज। अगर तू इनकार करेगी तो हम तेरे साथ जाते हाइया हाइया करेंगे। नहीं साहब, उसे जहाँ कोई बचाने वाला नहीं। अरे कौन आ रहा है? अरे गंगा, तू हमको चकमा देगी नाग सिंह को, देखता तुझे कौन बचाता है। तेरे पीछे आ रहा नाग सिंह। गंगा, वरना गोली मार दूंगा, जान से जाएगी ससुर में। भगवान कहां सो रहे है तू भैया मलकार, कहां है तू? ठहर जाओ गंगा, ठहर जाओ गंगा। सामने सेठ दयाराम मकान दिखाई देता है। दयाराम के मकान में छिप जाऊंगी। मैंने सुना है कि सेठ दयाराम बड़े दयालु हैं। इनके मकान में छिप जाऊंगी, शायद मेरी रक्षा हो जाए। भैया मलखान, तुम्हारी कहाँ हो तुम? तो सामने दे मकान में छिप जाऊंगी। गंगा ठहर जाओ, वरना नाग सिंह तुझे जान से मार देगा। तुझे छोड़ने वाला नहीं नाग सिंह। गंगा, तेरे राधे गोविंदा पन बजले हरि का प्यारा नाम है। गोपाला हरि का प्यारा नाम है, गोपाला हरि का प्यारा नाम है। तेरे राधे गोविंदा मन बदले हरि का प्यारा नाम। अरे मुनिम्मा, मुनिम्मा हाँ मोरी अम्मा, हम कह रहे हैं मुनिम्मा, वो भंसड़ी को बता रहा है अम्मा, अम्मा का बुआ कहा हमको। मुनिम्मा, तुम तो हमारी लेचर को जानते हो कैसा है। हाँ ये बात तो सही है। हाँ, और बिन बुलाए किसी के घर मैं जाता नहीं, बिन बुलाए। घर में जाता नहीं, पेट भर कर के भोजन कहीं करता नहीं, पेट भर कर। सर्दी बजा, अरे मैं आपके घर में छिपने के लिए आई हूँ साहब। आखिर क्या बात है, इसलिए छुपना चाहती हूँ? मेरे पीछे नाग सिंह ठाकुर पड़ा हुआ है। क्या है सेठ, पढ़े लिखे थे गवार हो क्या? इधर आ पहले। नाग सिंह नाम का आदमी पड़ा हुआ है। नाग, मैंने समझा था वो नाग पड़ा है। मुनिम्मा, तुम ऐसा करो, कहाँ छिप जाऊँ साहब? इसको जाकर के हमारी दुकान में 8 नंबर कमरे में जाकर छुपा दो। दुकान में छिप जाऊँ? और यहाँ आएगा तो मैं इसे कुछ बहाना बता दूंगा। सेठ जी, मैं आपके हाथ जोड़ती हूँ, इससे मत बताना कि मैं आपके घर में आई। अरे ऐसा कुछ नहीं, मैं कुछ नहीं बताऊंगा, उसे ऐसा बता दूंगा कि यहाँ पर कोई नहीं आया है, आप जाकर छिप जाओ। सेठ जी, सेठ जी, मैं
कहूं आपसे नाचू से कुछ भी बताना नहीं। घर में आई हूं मैं अभी आपके कुछ बताना नहीं, कुछ बताना नहीं। सेठ जी मेरे पिताजी का स्वर्गवास हो गया, मेरा भैया ना जाने कहां चला गया, मैं ऐसे चौराहे पर खड़ी जिसका रास्ता मौत चारों तरफ मौत नजर आती है। आप मेरे पिताजी के समान आपके हाथ जोड़ती हूँ मैं, ये ना बताना कि मैं आपके घर में छिपने के लिए आई हूँ। अरे तुम चिंता कोई मत करो, तुम जाकर के छुप जाओ। हाँ जाइए। धन्यवाद। भगवान का नाम सोचती थी लेकिन भगवान की शक्ल में आप इंसान हैं। धन्यवाद सेठ जी, अंदर छिप जाओ। जाओ गोविंदाय नमः, गोविंदाय नमः, क्योंकि मैं श्री कृष्ण का अंगा। ओ सेठ दयाराव, इधर गंगा को देखा है। गंगा? हाँ अरे गंगा को मैंने देखा है। गंगा को देखा है? हाँ। तो बोल कहाँ है वो? अरे गंगा द्वार में है, गंगा काशी में मिलेगी, गंगा प्रयागराज में है, और क्या गंगा यहाँ हमारी दुकान में। ओ अबे भोसरे, गंगा प्रयागराज में मिलेगी, काशी मिलेगी। कौन सी गंगा? गंगा नाम की लड़की अभी अभी भागती आई है, उसके पीछे मैं दौड़ता रहा हूँ, और तुम्हारे तुम्हारे घर के पास से गायब हो चुकी है। अरे मैंने तो किसी और गंगा की बात सोची थी। किसी और गंगा की नहीं, हम गंगा नाम की लड़की की बात कर रहे हैं। सर जी मुझे सेठ जी बात सच सच बताना, बताओ गंगा कहाँ है, किधर गई है? आप इतना क्यों नाराज हो रहे हैं? पहले पिस्तौल अंदर कीजिए, पिस्तौल देख करके मेरी गांड फट रही है, इसको अंदर कीजिए। तो बताओ बताओ गंगा कहाँ है? ठाकुर साहब सुनो मेरी बात। और बड़ी देर से मैं हूँ बैठा यहाँ पर, बड़ी देर से मैं हूं बैठा यहां पर, गंगा नाई इधर को है ठाकुर। बनिए की जादू झूठ है बोलता रे, बनिए की जादू झूठ है बोलता, आज पहचान पाया सही है मसल, तेरी जब कर धुलाई न हो तब तलक पास से हरकत। बताओ गंगा बताओ, वरना तेरे सीने में इतने छर्रे भरूंगा, इतने छर्रे भरूंगा साला कि डॉक्टर भी हैरान हो जाएगा। मैं सब बताता हूँ, इसको अंदर कीजिए, इसको अंदर कीजिए, मैं सब बताता हूँ।
ठाकुर साहब, पहले इसको अंदर कीजिए। बता कहाँ है गंगा? गोविंदा है नमः, गोविंदा है नमः। ठाकुर साहब, बख्श दो जान पिस्तौल से मेरी ननो, बख्श दो जान। मेरी ननो घर में मौजूद है वो मेरे गुलबदन, शाम को नाग सिंह आना मेरे मता, दोनों मिलके बुझाएंगे दिल की। ठाकुर साहब, गंगा हमारे ही घर में मौजूद है, लेकिन आप शाम को आइए। यानी तेरे घर में मौजूद है? अरे तो निकालू छनहट को उसके साथ बिहाई आई। नहीं ठहरे ठाकुर साहब, इस समय दिन के 12 बज रहे हैं, क्योंकि हमारी भी दुकान का मामला है और आपके भाई प्रधान हैं, ये सारी जनता जान जाएगी, वो शोरगुल करेगी, इसलिए आप शाम को आइए, कोई नहीं जान पाएगा। खूब हैया हैया कीजिएगा शाम को। ठीक है, हम शाम को आएंगे, लेकिन ये बता कितने वक्त आएंगे हम? आप 12 बजे आ जाइए। 12 बजे? हम 12 बजे आएंगे, लेकिन यह एक बात सुन लो हमारी, अगर गंगा नहीं मिली ना, अगर गंगा नहीं मिली तो हाँ। जो काम हम गंगा से करेंगे वो तुझसे करेंगे। अरे नहीं, आपको गंगा मिलेगी, आपको गंगा मिलेगी। हाँ, हमें गंगा चाहिए। हाँ, आपको गंगा मिलेगी। जा रहे हम। चाहिए गंगा, चाहिए मिलेगी। गोविंदा है नमः, क्या मैंने सोचा था कि क्या हो गया, मैं भी बहुत लौंडियों का आशिक हूँ, ऐसी बात नहीं है। मैंने सोचा था कि मैं बहुत दिन के बाद लौंडिया हाथ लगी, क्या बात तो सही है, लेकिन कहते जात देखो तो आधा बांटी लो, कोई बात ना है, कोई बात नहीं, मिले कई दोनों जने को भैया है यार। सही सही बात आए। चलो चले थे, दुकान बंद कर रहे हैं, पूजा का टाइम हो रहा है। और आज दुकनिया मोरी वैसे परी, आज दुकनिया मोरी वैसे परी, कोई गाहकी दुकनिया लायावा, कोई गाहकी। क्या बताऊं, जिस दिन से उस कैदी को मेरे भैया लेकर आए हैं, मेरा मन किसी काम पे नहीं लगता, ना ही पढ़ने पे, ना ही किसी काम पे। और मेरे भैया ने कितना मारा बेचारे को, कई दिन से आज भूखा है, आज मुझे, मैं उसके पास खाना लेकर जाऊंगी और उसको खाना खिलाऊंगी और उससे पूछूंगी कि आखिर क्या बात है जो मेरे भैया तुम्हें लेकर आए हैं। कैदी, मैं तुमसे कुछ पूछना चाहती हूँ। सच कहो, सच कहो, सच कहो ना जवान, कैसे भैया मेरे तू लाए यहाँ, कैसे भैया मेरे तू को लाए यहाँ, खाना लाई
तो बतलाइए नाम क्या है तुम्हारा कहाँ पे लगता नाम क्या है तुम्हारा कहाँ पे लगता ये बताइए कि आपका क्या नाम है आप कहाँ रहते हैं और मेरे भैया आपको किस लिए लेकर आए हैं। अच्छा तो ये सब तुम पूछना चाहती हो ठीक है तो मैं बताता हूँ। बताइए मैं कहाँ का रहने वाला हूँ क्या मेरा नाम है तुम्हारे भैया कैसे लाए हैं सब कुछ बताऊंगा। बताइए और नाम मलखान मेरा भरिया यानी कि मेरे भाई ने रिश्वत लेकर हाँ। और फिर तुम्हें फंसाया है। अगर ऐसी बात है मैं भी साहू समझती आपका दुख दर्द ना करो कोई फिक्र आपके आज
अब तो इंसाफ दुनिया में ठीक है। अगर ऐसी बात है तो आप बैठिए और मैं तुम्हें छुड़ाने का कोई इंतजाम करती हूँ। उधर साइड में खाना रखा हुआ है, खाना खा लेना और पानी उधर साइड में रखा, पानी पी लेना। और मैंने आपसे वादा किया है, आपके साथ में अगर इतना गलत हुआ है तो मैं तुम्हें इस जेल से रिहा मैं करवाऊंगी। ठीक है ठीक है ठीक है, मैं भी तुमसे वादा करता हूँ, इतना बड़ा एहसान करोगी तो मलखान किसी ना किसी दिन इसका बदला जरूर चुका देगा। ठीक है, आप चलिए। मैं जा रही हूं और मुझे लॉकअप की चाबी और रिवॉल्वर निकाल के मलखान को फॉर्म छुड़ा के देना चाहिए यहां से, वरना मेरे भैया उसे बहुत मारेंगे, इसलिए मैं आज जा रही हूं।